हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें हमारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के ऊपर है, जो कि है साबूदाने और आलू की टिक्की, जिसे हम व्रत में भी खा सकते हैं और ये स्पेशल व्रत के लिए ही बनाई जाती है और आप इसे इवनिंग टाइम या फिर स्नैक टाइम पर भी खा सकते हैं। ये खाने में जितनी डिलीशियस होती है उतनी ही बनाने में आसान होती है। ये बहुत ही स्पाइसी, क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है इस रेसिपी के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये 5 से 6 आलू ले लेंगे, जिनको मैंने उबाल लिया है और इनको पील कर लिया है, यानी कि छील लिया है। उसके बाद मैंने ये 300 ग्राम साबूदाने लिए, जिनको मैंने पूरी रात भिगो कर रखा है और सुबह मैंने इनका पानी ड्रेन कर दिया है। इसके बाद मैंने ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है। तो सबसे पहले आप सभी आलूओं को एक बड़े बाउल में इस तरीके से मैश कर लें। और इस तरीके से एक डो तैयार कर लें। उसके बाद आप इसके अंदर अपने सभी इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए, जैसे कि हरी मिर्च, हरा धनिया, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, और सॉल्ट हमने ऐड किया है इसमें स्वाद के अनुसार। और इसके बाद आप इसके अंदर साबूदाने ऐड कर लीजिए। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लें, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए और आप दोबारा से एक अच्छा सा डो बना लें। जो आपने मिक्सचर बनाया है उसको इस तरीके से पहले गोलाई शेप में देकर, और इसको आप टिक्की का आकार बाद में दे दें। इस तरीके से आप मीडियम साइज की टिक्की बना लें। आप इसको दूसरी शेप भी दे सकते हैं, जैसे कि कबाब की शेप भी दे सकते हैं। तो आपकी जो भी फेवरेट शेप है आप इसको उस तरीके से बना लें। जैसा कि ये आलू और साबूदाने की टिक्की है तो मैं सभी इन सभी को टिक्की की शेप दूंगी। इसके बाद आप एक कढ़ाई में ऑयल को हीट कर लें और आप अपनी सभी टिक्कियों को डीप फ्राई कर लें। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप सभी टिक्कियों को गोल्डन ब्राउन कर लें और आप अपनी फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें और ये जितनी क्रिस्पी होंगी उतनी ही टेस्टी लगेंगी। और इसके बाद आप इसको टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि इसका एक्स्ट्रा और एक्सेस ऑयल उसके अंदर सोख हो जाए। देखिए दोस्तों, ये कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है। दोस्तों, हमारी साबूदाने की टिक्की बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। और आप इसे अपने फास्ट, किसी भी टाइप के फास्ट में आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको ये फास्ट में बनानी है तो आप इसकी जगह सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।